जय जोहार संगवारी हो, नमस्कार, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आप सबके आपके अपन यूट्यूब चैनल सी जी व्लॉगर ममता में। तो संगवारी हो, आज मैं आप मन पर लेके आऊँ छत्तीसगढ़ के स्वाद तिल वाले भात बड़ी की रेसिपी। जी हाँ संगवारी हो, अगर आप मन के पास चावल बच जाते हैं यानी कि पके हुए भात बच जाते तो आप मन कैसे ओकर बड़ी बना के तैयार कर सकते हो, जिला आप मन जब भी इच्छा एक स्नैक के रूप में फ्राई करके खा सकता हूँ, जो स्वाद में भी बहुत बढ़िया होते। अब ये हमारे छत्तीसगढ़ के बहुत ही प्रसिद्ध रेसिपी में से एक रेसिपी है संगवारी हो, काबर की हमारे सियान मन है यही तरीका से बचे हुए भात के उपयोग करे तो मैं भी आप मला सिखावत हूँ, वैसे एक और वीडियो मोर चैनल में और भी है। तो चलो फिर ज्यादा देरी नहीं करें, शुरू कर लेते। अगर आप मला मोर वीडियो पसंद आते तो वीडियो लाइक लाइक करना है, शेयर करना है, जो भी नवा थे और परिवार से जुड़ते सब्सक्राइब जरूर से कर दो संगवारी। तो चलो फिर शुरू कर लेते। भात की बड़ी बनाया पर संगवारी हो, एक देख सकते हो अगर आप मन कर कभी भी चावल ज्यादा बन गए हैं या फिर कोई भी कारण से बच गए हैं तो ये तरीका से आप मन बना सकते हो। तेकर बन मोड़कर अतना कन भात बचे जेला में ले ले हो, इमें डाल देबो स्वाद के हिसाब से नमक, नमक की मात्रा थोड़ा कमे रही काबर की यह सूखे के बाद में थोड़ा से नमक तेज हो जाते तो नमक जितना आप मला लगते कि इतना डालना चाहिए ओकर से कम डालू। ओकर बाद एकदम थोड़ा से हल्दी, आधा चम्मच से कम ही हल्दी, लाल मिर्ची के पाउडर रंग भर काफ़ी अच्छा रंग आई है और स्वाद भी अच्छा ही, आधा चम्मच जीरा साबुत वाले, आप मन जीरा पाउडर भी डाल सकते हो या फिर जीरा ला कूट के भी डाल सकते हो, लगभग 2 से 3 चम्मच तिली, कावर की तिली वाला मैं बनाता हूँ तो एक साथी में यहाँ तिली डाला था, तिली से स्वाद बहुत गजब के आई तो ट्राई करूँ आप मन एक संगवारी हो। मस्त में डाल दूँ हरियर हरियर धनिया के पत्ती। अब एकर अलावा आप मन कड़ी पत्ता डाल सकते हो, अदरक लहसुन के पेस्ट डाल सकते हो और भी कोई डाल सकते हो आप मन हाँ। तो एक ये सब चीज़ डालने के बाद में काफ़ी अच्छे से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मिला लेना है। अगर आपके भात है थोड़ा चिपचिपा है यानी कि गीला नुमा है तो आप मन वही पानी झन डालू, वो आसानी से मिक्स हो जाएगी। अगर आपके भात थोड़ा सा जैसे कि अलग अलग बनते ना वैसे टाइप के बने तो थोड़ा पानी की जरूरत आप मतलब पड़ेगी। तो एक देख सकते हो आप मन थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं बहुत अच्छा से मसल लूँ ताकि अगर बड़ी अच्छा से बन जाए बिखरे छन। अगर आप मन एकदम खड़ा खड़ा चावल के बना दो तो कहा हुई बड़ी आपके बिखर जाए सुखाए के समय ही। तो एक काफ़ी अच्छा से मेला मिक्स कर दे हो, देख सकते हो हाथ की सहायता से। अब बड़ी बनाए पर मेले हो झिल्ली, ये पाइपिंग बेघर है जो कि क्रीम वगैरह केक में सजाए के काम आते हैं। तो एक देख सकते हो संगवारी हो, ये पाइपिंग बेग में भर दो, आप मन कोई भी झिल्ली में या हाथ में भी बना सकते हो, जैसे नमक की झिल्ली हो गई, तेल की झिल्ली हो गई, ओ में भी आप मन डाल के बना सकते हो। जितना बड़े बनाना है उसके हिसाब से नीचे ला कट कर देना है और मोला ना यही तरीका के ही बड़े अच्छा लगते हैं झिल्ली में डाल के बनाए बार, काबर के इसे में एक एक बार हाथ में पकड़ के बनाता हूँ ना तो काफ़ी ज़्यादा मोर हाथ में दर्द हो जाते, तेकर वजह से ये तरीका ही मोला बेस्ट लगते। अब अपन इच्छा अनुसार या फिर धूपला देखते हुए ही बड़ी के साइजला आप मल्ला बनाना है। अगर आपन बहुत ज़्यादा बड़ी बना दो तो सूखे भर देरी हो ही और खटास बना जी होकर अंदर तय कर सकते, छोटे छोटे ही बड़ी बना के तैयार करो आप मना। ये देखो बस एक बार ही मैं दबाता हूँ, ये निकला थे बस इतना ही छोटे छोटे में बड़ी कर बना के तैयार करा था। बड़ी की जगह आपन थोड़ा बड़ा नुमा भी सेब दे सकते हो एला, जिसे हाथ से थोड़ा सा आप मना लेके एला चपटा करते हुए भी सुखा सकते हो। तय करा पूरा ला हमला ऐसे ही बना के तैयार कर लेना है। ये जो बड़ी होते संगवारी खाए में तो स्वादिष्ट होते हैं, संगे में आपके बचे हुए भात के भी उपयोग हो जाते हैं कर द्वारा। तो एक देख सकते हो ऐसे ही आप मतलब बना के तैयार करना है। बहुत जन मन पूछते बाहर से सब्सक्राइबर है ते मन है कि बचे हुए चावल के खाना के भात के जो भी आप मन कहा तो ओकर कुछ वीडियो बना दे दी करके। तो ये हमारे छत्तीसगढ़ के सर्व प्रसिद्ध और प्रथम वीडियो अरे संगवारी हो, जो कि बचे हुए भात के उपयोग यही तरीका से अगर स्नैक के रूप में करना है तो यही तरीका से करी जाती है हमारे यहाँ तो। और हाँ बाकी तो अंगाकार मुठिया चीरा फरा ये सब चीज़ तो हमें ओवन में भी भातला बचे हुए भातला डाल के बना देते। तो एक देख सकते हो आप मन ये हमारे जो बड़ी है बनके तैयार हो चुके हैं, इतना कन बड़ी बन गई। अब एला लगभग 2 से 3 दिन में घाम दिखा दूँ फिर मैं आप माला दिखा दूँ जब ये सूख जाए तब, है ना। एक अरे लगभग 3 दिन की घाम दिखाए के बाद हमारी बड़ी अच्छा से सूख चुके, एकदम कुरकुरा हो गए, देखे से ही पता चलत हुई आप मल्ला मस्त सुखा गए संगवारी हो। तिली भी एकदम अच्छा से उभर के दिखा था वे ऊपर ऊपर में, अब ये फ्राई होए के बाद में और भी ज़्यादा अच्छा लगी। तो चलो फिर मैं आप मल्ला लगे हाथ इला तल के भी दिखा देता हूँ यानी कि फ्राई करके भी दिखा देता हूँ। ये इतना कन बड़ी बन के तैयार हो गई से देख सकते हो, इला आप साल भर तक स्टोर करके भी रख सकता हो। ये बड़ी ला तले पर
कम ही तेल की जरूरत है, बहुत ज़्यादा तेल की जरूरत नहीं है। और तेल बढ़िया गर्म होने देता, ओकर बाद फिर ये बड़ीला तल के तैयार कर ले। वो बहुत जन मन है ये बड़ीला संगवारी हो, भात के संग में खाना पसंद करते। मोला तो जब कभी भी चाय पीता हूँ ना तो ओकर संग भी बड़ीला में फ्राई कर लेता हूँ, मोला बहुत अच्छा लगते। और आप मतलब भी पसंद आई, जैन मन हमारे छत्तीसगढ़ के हो भाई बहनी मन तो जानते हैं, जैन मन बाहर से मोर सब्सक्राइबर एक घंटा ट्राई जरूर से करूँ बना के देखूँ। उम्मीद है आप मतलब भी पसंद आई हमारे छत्तीसगढ़ के ये स्वाद है। हमारे छत्तीसगढ़ के बहुत ही सिंपल और एकदम जो है सादगी वाला स्वाद होते संगवारी हो, जो कि खाए में भी स्वादिष्ट लगते और आप मन के खर्च भी ज़्यादा नहीं बैठे हैं ना, तो सिंपल तरीका से ही बनते। तो इसी आप मतलब फ्राई कर लेना एकदम तेज वाले गरम तेल में, काबर कि अगर आप मन नॉर्मल गरम तेल में फ्राई करूँ तो थोड़ा से फ्राई नहीं हो पाही ढंग से, तो कर सकती तेज गरम तेल में ही अच्छा से आप मन तल लेना है। देखो हमारे तिल वाले बड़ी एकदम बढ़िया से तला के तैयार हो चुके हैं, एकदम कुरकुरा बने जैसे मुरमुरा होते हैं ना, बिल्कुल वैसे टाइप की देख सकता हो आप ना, देखे से ही पता चला तो ही। खाए में भी बहुत अच्छा कुरकुरा है, स्वादिष्ट है, ट्राई जरूर करूँ संगवारी हो। देख सकते हो हल्दी और मिर्ची की वजह से काफ़ी अच्छे रंग में आ चुके हैं, बिना रंग डाले हुए है ना। तो जल्दी से आप मन भी बनाओ खाओ और अपन अनुभव कमेंट बॉक्स में जरूर से शेयर करो। कैसे लगे संगवारी हो आप मतलब मोर आज के स्वाद पसंद है ना, जरूर सही सोई। तो चलो आपो मने तरीका से बना के देखो, खा के देखो और अपन अनुभव कमेंट बॉक्स में शेयर करो। तब मिलते हो अपन से जल्दी एक नवा वीडियो के संग, तब तक बन मिला।